सुप्रभात दोस्तों, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत की में। हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपराओं में से एक है शंखनाद। शंखनाद अर्थात शंख बजाना। शंख हमारी संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। इसे पूजा पाठ में बजाया ही जाता है, साथ ही प्रत्येक शुभ मांगलिक कार्यों, विवाह आदि में, विजय उत्सव, राज्याभिषेक, हवन, युद्ध के प्रारंभ और अंत में बजाया जाता है। माना जाता है कि शंखनाद से दुश्मनों की शक्तियां कमजोर होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में शंख रखने और सुबह शाम बजाने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। वर्षों पुरानी इस परंपरा को आज हमारे वैज्ञानिकों ने भी माना है। उनका मानना है कि कोरोना महामारी में फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और इनको स्वस्थ रखने के लिए शंख बजाने से बेहद फायदा होता है। पुराने जमाने के लोग प्रतिदिन शंख बजाते थे, इसीलिए उनके फेफड़े अधिक उम्र में भी काफी मजबूत होते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। ऐसे में शंखनाद द्वारा फेफड़ों को मजबूती मिलती है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। शंख बजाना कई तरह से सेहत को लाभ पहुंचाता है। जब कोई शंख बजाता है तो कई तरह की कॉस्मिक किरणें निकलती हैं, जो बीमारियों और शारीरिक समस्याओं का इलाज करती हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस होते हैं। इससे हमारी थायराइड ग्रंथियों और स्वर यंत्र का व्यायाम होता है और बोलने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को ठीक करने में मदद मिलती है। शंख बजने से तनाव भी दूर होता है। जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं उनको शंख जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजते समय दिमाग के सारे विकार चले जाते हैं। शंख बजाने से दिल के दौरे से भी बचा जा सकता है। नियमित रूप से शंख बजाने वालों को कभी हार्ट अटैक नहीं आते। शंख बजाने से सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं और इसी तरह बार बार सांस भरकर छोड़ने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। शंख बजाने से योग की तीन क्रियाएं एक साथ होती हैं, कुंभक, रेचक और प्राणायाम। शंख की आकृति और पृथ्वी की संरचना समान है, इसलिए नासा के अनुसार शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो जीवाणुओं का नाश कर लोगों को ऊर्जा व शक्ति का संचार करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शंख फूंकने से उसकी ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक के अनेक बीमारियों के कीटाणु ध्वनि स्पंदन से मूर्छित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। यदि रोज शंख बजाया जाए तो वातावरण कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। बर्लिन विश्वविद्यालय ने शंख ध्वनि पर अनुसंधान कर यह पाया कि इसकी तरंगे बैक्टीरिया तथा अन्य रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए उत्तम व सस्ती औषधि है। रोजाना सुबह शाम शंख बजाने से वायुमंडल कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। हड्डियों को मजबूती मिलती है, क्योंकि शंख में कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस काफी मात्रा में पाए जाते हैं। यह तत्व हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए शंख में रखे पानी का सेवन करना चाहिए। इनसे दांतों में भी बहुत फायदा मिलता है। शंख की ध्वनि से रोग प्रतिरोधक क्षमता में शक्ति मिलती है। मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, नाक, कान और पाचन से संबंधित रोगों में रक्षा होती है। शंख बजाने से झुर्रियों की परेशानी भी कम हो सकती है। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे झुर्रियां भी कम होती हैं। इसीलिए पूजा पाठ के बाद शंख में भरा जल श्रद्धालुओं पर छिड़का जाता है। उसे हम पीते भी हैं। इसमें कीटाणुनाशक शक्तियां होती हैं, जिनसे हम स्वस्थ रहते हैं।
अतः शंख जल छिड़कने या पीने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर यह संकल्प करें कि शंखनाद द्वारा स्वयं को, अपने पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र को इस विश्वव्यापी महामारी के प्रभाव से बचाने के लिए प्रयास करेंगे। नमो नमः।